ग्रुप के चेयरमैन हो, जरा सी भी गलती हो गई तो उसका जिम्मेदार तुम्हें ठहराया जाएगा। और मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा तुम्हारी एक गलती का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ तुमसे गलती हुई और वहाँ उन्होंने तुम्हारे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन रख दिया। तुम ये कहना चाहती हो कि दरअसल स्वेतलाना मेरी मदद कर रही है? बिल्कुल। वो स्वेतलाना तुम्हें हर बार हार मना के चली जाती है और ऋषभ तुम्हें जूते की नोक पर रखता है और पहुँच जाती हो बेशर्मी से रड्डा देवी के घर पर आराम की शराब पीने के लिए। अरे तुमसे अच्छा तो मैं हुआ कि सिर्फ तुमसे उल्लू बनता हूँ, लेकिन तुम दुनिया वालों से उल्लू बनती। I love you very much. अब तुम ये बताना चाहती हो कि तुम केशव मल्होत्रा की बीवी हो? लेकिन वो तो मैं थी ही। भले ही केशव ने आपके गले में मंगलसूत्र डाला था, लेकिन उसकी पत्नी मैं थी। तुमने केशव को मुझसे छीना, मैंने कुछ नहीं कहा। सुहागन होकर भी विधवा की जिंदगी गुजारी, फिर भी चुप रही। लेकिन अब अगर तुमने मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को अपने कब्जे में करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। सुधी सिर्फ मेरी एक दोस्त है और कुछ नहीं। मैं उससे प्यार नहीं करता, प्यार तो मैं किसी और से करता हूँ, और वो तुम हो नीतू। आई लव यू वेरी मच। अरे माँ, तुमने फिर से पीना शुरू कर दिया। अपने आप को तबाह करके क्या हासिल हो जाएगा तुम्हें? जिस तरह तू मुझे तबाह कर रहा है ना, ये शराब नहीं कर सकती। शुरू कर दिया तुमने। शराब पीने के बाद तुम्हें सब अपने दुश्मन लगने लगते हैं, और शराब तुम्हारे अंदर नफरत और कड़वाहट पैदा कर देती है, जिसकी वजह से तुम भटक जाती हो। तो भटकने दो, तुम मेरी चिंता का नाटक क्यों कर रहे हो? ठीक है माँ, अगर तुम्हें ये सब नाटक लगता है तो मुझे उस वक्त तक मत बुलाना जब तक मेरी सच्चाई पर ऐतबार ना हो जाए तुम्हें। मैं चलता हूँ। कहीं नहीं जाएगा तू। कई बातों की सफाई चाहिए मुझे। कोई फायदा नहीं, और फिलहाल तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस वक्त तुम नहीं, तुम्हारा नशा बोलेगा। और वैसे कहीं नहीं जाएगा तू। शुरू कर दिया तुमने अपना नाटक। अरे माँ, तुम्हें जरा भी एहसास नहीं रहता कि तुम जब अपना नाटक शुरू कर देती हो तो दूसरों पर क्या गुजरती है। और जो तुम लोग ऑफिस में तमाशा करते हो, उसके बारे में सुनकर मेरे दिल पे क्या गुजरती है, तूने कभी सोचा है? अब यहाँ बैठे बैठे क्या सुन लिया तुमने माँ? उस स्वेतलाना को ऑफिस में घुसने की इजाजत क्यों दी गई? क्या एक भी मर्द नहीं था जो उसे रोक सकता? अरे माँ, उसे कैसे रोक सकते हैं भाई? राव अंकल के शेयर मिलने के बाद वो एक मेजर शेयर होल्डर हो गई है, हक बनता है उसका। यही तो खासियत है मल्होत्रा खानदान के खून की, हर नाजायज रिश्ते को हक पर हक दिए जाते हैं। माँ, तुम जो भी समझो, लेकिन इस मामले में मैं बिल्कुल बेबस हूँ। बेबस तो तुम सिलोर स्टेट्स के लिए भी हो, और इसी बेबसी को अपने एड़ी के नीचे दबाकर स्वेतलाना तुम्हारे सर पर सवार हो जाएगी। माँ, स्वेतलाना के नाम का भूत जो 24 घंटे तुम्हारे सर पर चढ़ा रहता है, उसे निकाल दो माँ प्लीज। वो कड़वाहट तुम्हारे अंदर जहर बन चुकी है, और अंदर ही अंदर से तुम्हें खोखला कर देगी। खोखला तो वो तुम्हें करेगी, तुम्हारे मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को करेगी। तुम्हें धक्के देके बाहर निकाल के खुद कब्जा कर लेगी। जो तुम्हारे बाप केशव मल्होत्रा को अपनी उंगलियों पे कठपुतली की तरह नचाती थी, वो तुम पे कब्जा करके मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को अपनी जागीर बना देगी। माँ, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज कोई खिलौना नहीं है जो कोई अरा गहरा आकर उस पर अपना कब्जा कर ले। और मैं वहां बैठकर घास नहीं काटता। स्टैन, तुम वहां क्या करते हो वो तुम खुद ही जानते हो, लेकिन हाँ, स्वेतलाना अपनी पहली चाल में कामयाब हो चुकी है, और तुम लोग देखते ही रह गए। आगे भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाओगे और वो सब कुछ हड़प कर देगी। सुनो, मैं यहाँ कब आया?
उस दिन शराब पीने के बाद मैंने आपको जगाने की बहुत कोशिश की, मगर आप उठे ही नहीं। तब जॉन अंकल और मैं आपको यहाँ ले आए। डॉक्टर ने कहा आपकी तबीयत बहुत खराब है। अब कैसे तबीयत है आपकी? ठीक है बेटा, इतना दूर क्यों बैठा? पासा आपको प्यास लगी है तो पानी दूं? अपने बाप की बच्चे की तरह देखभाल कर रहा है तू अकेला। मम्मी यहाँ रोज सुबह शाम आती है। पापा आप प्रॉमिस कीजिए आप आज के बाद कभी शराब नहीं पियेंगे। नहीं पियूंगा बेटा। जब जिंदगी हाथ से छूटने लगती है ना, तभी उसकी कीमत पता चलती है। प्रॉमिस प्रॉमिस करता हूँ मैं, आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा मैं। तू अपने पापा से बहुत नाराज है ना? नहीं। और तेरी माँ? वो तो बहुत नाराज होगी मुझसे। बिल्कुल नहीं, वो तो आपकी बहुत चिंता कर रही थी। सभी अच्छे हैं, तू तेरी माँ सब सब अच्छे हैं। एक मैं ही बुरा आदमी हूँ बस। बहुत कर ली अपनी तारीफ। कब होश आया तुम्हें? होश तो बहुत देर के बाद आया सुल्ताना, लेकिन यकीन मानो अब होश आ गया मेरे। देर से आया लेकिन आ गया सचमुच। तुम्हें बहुत खुश हो रानी। मैंने किसी के साथ इंसाफ नहीं किया, ना अपनी जिंदगी के साथ, ना तुम्हारे साथ, ना सोनू के साथ, और उसकी सजा मुझे मिल गई। सजा खत्म भी हो गई रानी। तुम शराब पीना छोड़ दो, इस बार तो बच गए, लेकिन अगली बार की गारंटी डॉक्टर नहीं दे सकते। मैं बचा नहीं हूं स्वेतलाना, तुमने मुझे बचाया है। और मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया। रानी प्लीज प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। बच्चों के सामने ऐसे नहीं रोते। वैसे हमारा सोनू इस दौरान बहुत बड़ा हो गया मालूम है। दिन रात तुम्हारे पास बैठा तुम्हारी सेवा करता रहता है। सॉरी बेटा, I'm sorry. ओ, क्या मौके से फूल लाया। रॉनी को होश आ गया, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सूरज। अरे थैंक यू मेरा नहीं स्वेतलाना का करो, जिसने अपना सारा काम काज छोड़ के तुम्हारी देखभाल की है। मैं तो बस फूल देने आया था, ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम है, चलता हूँ स्वेतलाना। मेरी तो कोई जरूरत नहीं है ना? हाँ अगर तुम्हारी जरूरत है, तुम जाना है तो जाओ स्वेतलाना। नहीं तुम ऑफिस की चिंता नहीं करो, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। थैंक सूरज। अरे थैंक यू छोड़ो, बस रोनी का ख्याल रखो। नीतू ये तुझे क्या हुआ? मैं वॉल्टर नहीं रितु हूँ। क्या मोहब्बत में तुझे हर तरफ वॉल्टर दिखाई दे रहा है? हाँ मुझे हर चीज में वॉल्टर दिखाई दे रहा है, ये खिड़की में, उन दरवाजों में, ये कर्टन में, ये टॉम क्रूज में, ये पिलो में। लगता है वॉल्टर से तुझे कह दिया। नहीं मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो फिर इतनी खुश क्यों हो? क्योंकि बात ही इतनी खुशी की है। आखिर बताएगी क्या हुआ?
मैं इसीलिए खुश हूँ क्योंकि मैंने कुछ नहीं कहा। तूने कुछ नहीं कहा? तो फिर वाल्टर ने, दीदी वाल्टर ने मुझे प्रपोज किया। वाल्टर ने तुझे प्रपोज किया? हाँ, वो तीन लव्स जो मैं इतने दिनों से अपनी जबान पर लेकर घूम रही थी, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की, जिसके लिए मैं इतना परेशान हो गई थी कि मैं कह नहीं पा रही थी, वाल्टर ने एक झटके में कह दिया। लेकिन कहाँ था? डांस क्लास में? अरे मैं तो डांस क्लास में भी कहने गई थी वहाँ, लेकिन सूजी आ गई। फिर मैं बैंड हॉल तक गई कहने के लिए, वहाँ पर सूजी ने गड़बड़ कर दी। मैंने तो हार कर तय कर लिया था कि मैं आज के बाद वाल्टर से कभी बात नहीं करूंगी। आई डिसाइडेड आई विल नेवर टॉक टू हिम। मैं इतनी पागल हो गई थी कि मैं उसके घर तक गई और मैंने उसे कह दिया था। क्या कहा तूने? यही कि आज के बाद मैं उसे कभी बात नहीं करूंगी। तो फिर उसने क्या कहा? उसने कहा ठीक है। आई वाज शॉक्ड। नीतू, आखिर उसने वो सब कहा कब? जब मैं उसे छोड़कर आने लगी, तब उसने मुझे पीछे से आवाज देकर रोका और उसने मुझे प्रपोज कर दिया। कैसे? वही तीन लव्स कहकर, जिन्हें कहने की मैं इतनी रिहर्सल कर रही थी। लेकिन अब मैं कहती हूँ, माई डार्लिंग वाल्टर, आई लव यू वेरी मच, आई एम सो हैप्पी। प्यार भी कितनी प्यारी चीज होती है ना, जिंदगी में मतलब भर देती है, सब कुछ कितना प्यारा और खूबसूरत लगता है। वैसे आप रॉयल फैमिली वालों की भी बात ही कुछ और है, सारे उधार कर भी अकड़ वहीं की वहीं। स्वाभिमान और आत्मविश्वास हमारे खून में होता है, चाहे वो कितना बेबुनियादी क्यों ना हो। और तुम जैसे तुच्छ लोगों की हीन भावनाएं भी मैं जानती हूँ। और ऐसी बातें करके खुद अपना मजाक उड़ाते हो, सूरज पे थूकने का अंजाम जानती हो। ये सूरज वाली बात अच्छी कही आपने, आप भी पता नहीं किस किस आग में जल रही हैं। मैं? भला मैं क्यों जलने लगी? जले मेरे दुश्मन? जल तो आप रही हैं रंजना देवी, और उस जलन का नाम है स्वेतलाना। एक शोला है सिल्वर एस्टेट्स और दूसरा स्वेतलाना का मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के ऑफिस में बाइज्जत दाखिला। देखती हूँ कब तक वो ये इज्जत भोग पाएगी। वैसे ज्यादा देर तक टिकेगी नहीं। हम लोग कब तक सच्चाई से मुंह मोड़ेंगे रंजना देवी? आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ, स्वेतलाना हर लड़ाई जीत चुकी है और हम हर एक लड़ाई हार चुके हैं। बहुत जल्दी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में स्वेतलाना के दस्तखत चलेंगे और रंजना देवी का नाम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की इमारत पर सिर्फ एक नाम बन के रह जाएगा। रॉयल फैमिली नेम नॉनदलेस, बट स्टिल। उसका तो मैं नामो निशान मिटा दूंगी। सब कुछ लुट जाने के बाद पति गवा बैठी उसके हाथों, क्या कर पाई आप? आजकल ऋषभ भी आपसे ज्यादा उसका सगा हो रहा है। आपको शायद धक्का लगे, लेकिन मुझे हैरत नहीं होगी अगर कल ये पता चले कि ऋषभ के कहने पर स्वेतलाना मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के ऑफिस में दाखिल हुई। शट अप देविका, जो भी मुंह में आता बक देती हूँ। मेरी बकबक की वजह से ही आज आप जिंदा हैं। आपको लगने वाले हर धक्के के बारे में मैं पहले ही इत्तला कर देती हूँ, वरना आज तो आप हार्ट अटैक की वजह से मर गई होती। फिक्र मत करना, स्वेतलाना का तबाह किए बगैर मैं नहीं मरने वाली। बहुत आंसू बहाने पड़ेंगे इस जिद में। जब से ऋषभ के सर से बाप का साया गया है, उसकी असली सूरत नहीं नजर आने लगी आपको? शक्ल और शौक में वो बहुत कुछ केशव जैसा है, नहीं? यस प्लीज। हेलो शीला, मैं निशी मल्होत्रा बोल रही हूँ। हाँ मिसेस मल्होत्रा, कैसी हैं आप? मैं तो जैसी भी हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छी हैं। मैं आपका मतलब नहीं समझी। मेरा मतलब वही है जो मेरे अल्फाज कह रहे हैं। हम जैसी घरेलू औरतों में वो हुनर कहाँ जो आप जैसे नौकरी वाले औरतों में होती है। आप एक बात को कई खूबसूरत अंदाज में पेश कर सकते हैं। डोंट रीड बिटवीन द लाइन शीला, मैं जो कह रही हूँ ना, मेरा मतलब भी वही है। तुम सचमुच वाकई में बहुत अच्छी हो। मैं आई मीन थैंक यू मिसेस मल्होत्रा, पर इस तारीफ की वजह जान सकती हूँ? महान लोगों की यही तो खूबी होती है, अच्छाई करने के बाद जब कोई शुक्रिया अदा करता है तो वो वजह पूछते हैं। वैसे भी
तुम दिन भर में इतनी अच्छाइयां करते होंगे कि तुम्हें कोई शुक्रिया अदा करे तो तुम्हें अजीब लगता होगा ना। हम जैसे लोग तो कभी कभार जिंदगी में गलती से कोई अच्छाइयां कर बैठते हैं। एहसान, अच्छाई, शुक्रिया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मैं ये सब डिजर्व करूं। तुमने किया है शीला, तुम जानती नहीं, तुम्हारी वजह से मेरे घर में, मेरी जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं। खुशियां? और मेरी वजह से? यकीन मानो शीला, मुझे भी इतनी हैरत हो रही है जितनी तुम्हें हो रही है। मैंने भी कभी उम्मीद नहीं की थी कि मेरे घर में दोबारा खुशियां आएंगी। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि निशी मल्होत्रा और महीन मल्होत्रा की जिंदगी में दोबारा खुशी आएगी। मुझे तुम्हें बहुत पहले फोन कर देना चाहिए था, लेकिन मैं ये खुशियां पाकर इतनी खो गई थी कि आज शुरू उतरा है। थैंक यू शीला। महीन की हंसी में इतनी खनक मुझे कभी पहले सुनाई नहीं दी। थैंक यू सो मच। मुझे बड़ी खुशी हुई ये सब सुनकर, लेकिन आप बेवजह इसका सेहरा मेरे सर बांध रही हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अरे तुम तो ऐसा घबरा रही हो जैसे मैं तुम पर कोई इल्जाम लगा रही हूँ। अरे नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुमने पिछले दिनों महीन की जो देखरेख की ना, उसकी वजह से वो अपनी जिम्मेदारियां समझने लगा। घर में एक पति की और एक बाप की और दफ्तर में वाइस चेयरमैन की जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहा है। यकीन मानो इसमें मेरा कोई योगदान नहीं। महीन एक तब्दीली अपने आप आई है शीला, और वो भी तुम्हारे जैसे दोस्त की वजह से। और तुम्हें मैं भी अपना दोस्त मानना चाहती हूँ शीला। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। चलिए, तब्दीली चाहे जिस वजह से भी आई हो, नतीजा तो अच्छा ही निकला ना। एक एहसान और करना शीला मुझ पर, जब तुम भगवान से अपने लिए दुआ मांगो तो मेरे और महीन के लिए भी दुआ मांग लेना कि ये खुशियां जिंदगी भर हमारी जिंदगी में रहें। और सुनो, कभी वक्त मिले तो मुझसे आकर मिल लेना, आकर मेरे साथ लंच खाओ प्लीज। ओके, बाय बाय। आज के दौर में इंसान कितना अकेला हो गया है। जब वो अकेला पड़ जाता है तो वो इनसिक्योर हो जाता है, और जब वो इनसिक्योर होता है तो वो खुदगर्ज हो जाता है, और आदमी की यही खुदगर्जी उससे गुनाह करवा सकती है। ऋषभ, दुनिया उतनी बुरी नहीं जितना तुम समझते हो। कभी कभार आदमी की जिंदगी में ऐसे दौर आ जाते हैं जब अपना नजरिया नेगेटिव हो जाता है। अब काला चश्मा लगा आंख पर तो दुनिया काली दिखेगी। नहीं मेरा, इतना काला चश्मा तो शायद बाजार में भी नहीं मिलता जितनी काले मुझे इंसानों के कैरेक्टर में नजर आने लगी है। आज इंसान रिश्ते भूलकर, घर भूलकर, इंसानियत भूलकर अपने आप को कामयाब करने में लगा हुआ है। हर आदमी अपनी जंग अकेले लड़ रहा है, और इस कामयाबी की कसौटी है दौलत। एक रईस मल्होत्रा खानदान का यह इकलौता वारिस चिल्ला चिल्ला कर सबको बताना चाहता है कि दौलत का ताल्लुक जिंदगी की कामयाबी से नहीं है। हाँ, लेकिन कभी कभी दौलत का जिंदगी को नाकामयाब करने में बहुत बड़ा हाथ होता है। तुम अगर अपनी जिंदगी को नाकामयाब समझते हो तो तुम गलत हो ऋषभ। तुमने अभी जिंदगी गुजारी ही कहाँ है, और नतीजा जिंदगी गुजारने के बाद ही निकालना चाहिए। मेघा, मोहलत दे देना ही तो जिंदगी का सबसे बड़ा मरहम है। हम लोग चंद बहाने बटोर कर अपनी सारी जिंदगी गुजार लेते हैं। अब मेरी माँ की बात ही ले लो, जितनी नफरत मेरी माँ स्वेतलाना के लिए निभा रही है उतना रिश्ता तो अपने बेटे के साथ भी नहीं निभा रही। तुम्हें इन सब बातों में नहीं पढ़ना चाहिए ऋषभ। अरे पढ़ना कौन चाहता है मेधा, खींच कर खड़ा कर दिया जाता है मुझे अपनी माँ की अदालत में, और जब से स्वेतलाना ने ऑफिस आना शुरू कर दिया उनका एक नया ही ड्रामा शुरू हो गया। मुझे बुलवाकर अच्छी खासी पूछताछ कर ली, और मैं हूँ कलाई के फूल सफाई देता फिर रहा हूँ। स्वेतलाना के ऑफिस ज्वाइन करने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम उन बातों पर ध्यान दो जिनसे तुम्हें फर्क पड़ सकता है। फर्क पड़ता है मेधा,
मुझ पर और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पर फर्क पड़ता है अगर श्वेताना कब्जा करने की नीयत से आई है तो। माँ अब आओ ना, बैठो प्लीज। जवान बेटे के पास माँ के लिए जगह ही कब होती है, और आज मुझे लगा कि मेरा बेटा जवान हो गया, औरतों की कंपनी के बगैर उसका गुजारा ही नहीं होता। छोटा